लड़की के लिए फीलिंग ही नहीं है, इसके बारे में मैं एक केस स्टडी आपको बताने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळेकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला यहां प्रैक्टिस करता हूं। एक करीब करीब 30 साल का युवक मेरे पास में आया और फिर उसने बोला कि भाई मुझे अभी शादी करनी है, मेरा ब्याह पक्का हो गया है, अभी जनवरी महीने में आने वाले शादी करनी है, तय हो गई है, और मुझे लड़की के लिए फीलिंग ही नहीं है। मुझे लड़के का, बॉयज का विचार, चित्र, सोच दिमाग में से निकालना है। उसको मैंने पूछा कि भाई आपने कुछ सेक्स कभी किया है क्या लड़कों के साथ में, बॉयज के साथ में? बोले नहीं, कभी नहीं किया, मगर पहले से मुझे लोग बचपन से ऐसा बोलते थे कि भाई नहीं, तू लड़की जैसा बात करता है, लड़की जैसे तेरी चाल चलन है, तेरी आवाज़ ही थोड़ी पतली है, मतलब ऐसा थोड़ा सा बड़ा होने के बाद में जैसा हमारी आवाज़ बदलती है या मूछ आती है या दाढ़ी आती है, तो उस समय भी थोड़ा मुझे लेट आ गई, तो लोग बोलते थे हमारे दोस्त वगैरह कि तू लड़की जैसी बात करता है। तो फिर मेरा आकर्षण लड़कों के तरफ होने लगा और फिर मुझे लड़के अच्छे लगने लगे, तो विचार बार बार आते रहता है। तो फिर मैंने उसको पूछा कि तुमको ऐसा लगता क्या कि मैं लड़की हूँगा तो अच्छा रहेगा? नहीं नहीं बोले, वैसा तो कुछ भी है नहीं, मुझे लड़की होना ही नहीं है, ना लड़की जैसे विचार मेरे मन में है कि भाई मैं लड़की हूँ, मैं हूँ लड़का ही। लोग मेरे को ऐसा बोलते थे कि तू लड़की जैसी बात करता है या लड़की जैसी चाल है, मतलब लोगों को बोलने दो जो बोलना हो, क्योंकि लोग तो कुछ भी बोलेंगे। क्या होता है कि जब कॉलेज में जाते हैं तो कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि वो बाकी लोगों का, एक आधा गरीब स्टूडेंट रहा, दोस्त रहा, बेचारा कोई बोलते नहीं रहता है, तो उसकी मजाक उड़ाएंगे, उसको टारगेट करेंगे, उसको कुछ ना कुछ बोलेंगे, तो वो तो रहेंगे ही। लोग बोलेंगे करके तुम थोड़ा, तुम्हारा सेक्स बदलने वाले या तुम थोड़ी बदलने वाले हो, तो मतलब वो छोड़ दो लोग क्या बोल रहे थे, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा बार तकलीफ लोगों को है या वो कंप्लेंट लेके मेरे पास में आते हैं कि मुझे कॉलेज में लोग ऐसा बोलते थे कि तू लड़की जैसी बात करता है या लड़की जैसा बोलता है, मतलब वो छोड़ दो, वो बहुत ही सब्जेक्टिव है। आपको क्या लगता था? नहीं बोले, मुझे तो कभी लगा नहीं, मगर मेरा आकर्षण लड़कों की तरफ जरूर था, मुझे लड़के अच्छे लगते थे और मुझे ऐसा लगता था कि उनके पास में जाऊं, किस करूं, प्यार करूं, और उनके साथ में थोड़ा सा शारीरिक थोड़ा सा टच हो गया तो अच्छा लगता था। अभी वो मुझे विचार आते रहता है, मगर कभी मैंने सेक्स एक्चुअली इंटरकोर्स कभी किया नहीं है, मगर वो विचार मुझे निकालने का है कि मुझे जो फीलिंग है लड़कों के तरफ का, तो वो बदलना चाहिए, वो बंद होना चाहिए और मेरे लड़की के तरफ फीलिंग होना चाहिए। बोले आपने उसके लिए क्या किया? बोले मैंने एक बार टेस्ट करने के लिए मैं एक सेक्स वर्कर के पास में गया, उसको 400 रुपये दिए और वहाँ जाने के बाद में मुझे कोई फीलिंग ही नहीं आई। फिर उसने मुझे समझाया, उसने मुझे बोला कि नहीं तुम इलाज करो, और काफ़ी अच्छी लड़की थी वो, और उसने मुझे बताया कि ठीक है आपको इलाज करना पड़ेगा कि आप आदमी में नहीं है। फिर तब से तो मुझे और ये लगा कि मैं पुरुषों के तरफ मेरा या बॉयज़ के तरफ मेरा आकर्षण हो रहा है, तो मैं लड़का नहीं हूँ क्या? हालांकि मुझे सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स है, मूंछ है, दाढ़ी है, सभी है। तो मैंने ठीक है, अभी वो एक ब्रेन पैटर्न आपका बना हुआ है, आपकी क्या इच्छा है? नहीं बोले मुझे तो शादी करनी है, जनवरी महीने में मैं शादी करूंगा ही करूंगा, सिर्फ इतना ही है कि मेरी शादी बर्बाद नहीं होनी चाहिए, शादी में मैं सेक्स नहीं कर पाया पत्नी के साथ में तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगा। बोले ठीक है, आपके ब्रेन पैटर्न ऐसे बने हुए हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो ऐसा कुछ तो एक आकर्षण भरा हुआ है लड़कों के बारे में, अभी आप खुद बोल रहे करके हम कोशिश करेंगे बदलने की और वो हो सकता है। तो फिर मैंने उसको कुछ मेडिसिन दिए कि जो मेडिसिन से इरेक्शन आता है, और फिर मैंने बोला कि इरेक्शन आने के बाद में आप इमेजिन करो, विजुअलाइज करो, और इमेजिन और विजुअलाइज करके भाई अपन लड़की के साथ में सेक्स कर रहे ऐसी कल्पना करो, बातें कर रहे सेक्स कर रहे ऐसी कल्पना करो। और मैंने उसको हिप्नोथेरेपी भी दिया, उसके सेशंस उसके लिए, और उसके सेशन में फिर धीरे 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 उसको फर्क, क्योंकि हम हिप्नोटिज्म में क्या करते हैं, उसको विजुअलाइज करवाते हैं, उसको इमेजिनेशन करवाते हैं, क्योंकि तू गर्ल के साथ में, लड़की के साथ में, वो विजुअलाइज करना, वो फोटो देखना, वो पिक्चर देखना, अपन उसमें इन्वॉल्व हुए लड़की के साथ में, वो देखो। और जब बार 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 आप ऐसा अफर्मेशंस देंगे, क्योंकि हमारे ब्रेन को, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को, हमारे ब्रेन को, हमारा जो ब्रेन पैटर्न है उनको भाषा समझती नहीं है, उनको चित्र समझता है, तो वो चित्र बार 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 सामने लाने का है, तो उसे फर्क पड़ जाएगा, ऐसा मैंने बोला। काफ़ी उसने कोशिश किया, 4-5 महीने के बाद में वो मुझे मिलने के लिए आया, बोले कि नहीं बहुत अच्छा फ़र्क है, और वो विचार अभी मेरे चले गए,
वो जो आकर्षण था लड़कों के प्रति वो भी चले गया, मुझे लगता है कि अभी मैं लड़की के साथ में सेक्स कर सकूंगा और मेरा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अभी मैं अकेला जब रहता हूँ तो इरेक्शन भी आता है लड़कियों के विचार आने के बाद में और मुझे ठीक लगता है। तो इसमें क्या है कि ये ब्रेन पैटर्न बन जाते हैं और ब्रेन पैटर्न बन गए तो उनको हम बदल सकते हैं। जब बार बार हैमरिंग करते, बार बार आत्म सुझाव देते, बार बार अफर्मेशन देते हैं तो उसमें काफ़ी फर्क पड़ के लोग अच्छे हो जाते हैं। काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम है, तो ये वीडियो लोगों को शेयर करो। हमारा जो मिशन है वो है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, इसमें आप हमारे पार्टनर बन जाओ। हमारा ऐप है, वो आप डाउनलोड कर सकते हो, उसमें फ्री चैटिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज उसके उपलब्ध है। ये वीडियो देखने के लिए, ये वीडियो में ये लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए थैंक यू वेरी मच।